नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका लाइव टीवी समाचार में। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रक्तदान शिविर का आयोजन सामान्य चिकित्सा ढोलपुर में होगा आयोजित। युवा नेता राहुल प्रताप सिंह के नेतृत्व में होगा आयोजन। हनुमान जयंती का भव्य उत्सव, साकरिया हनुमान जी मंदिर में जन सैलाब। 31 किलो केक काटकर किया वितरित। हीरापुरा के जंगलों में लगी आग, 80 बीघा जमीन पर नुकसान, 2000 से अधिक पौधे जलकर हुए खाक। युवा नेता राहुल प्रताप सिंह के नेतृत्व में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के जन्मदिवस 18 अप्रैल को सामान्य चिकित्सालय ढोलपुर में होने वाले विशाल रक्तदान शिविर को लेकर युवा साथियों के साथ आज पोस्टर विमोचन किया गया। उक्त मौके पर राहुल प्रताप सिंह ने बताया कि राठौर जी के जन्मदिन के अवसर पर संपूर्ण राजस्थान में उनके जन्मदिन को एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उनके समर्थकों ने जिला स्तर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी आम जन से अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान कर अपनी भागीदारी निभाएं। इसके माध्यम से हम दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण बघेल की रिपोर्ट। हनुमान जयंती के इस अवसर पर साबरकांठा जिले में मारुति यज्ञ भी किया गया। साबरकांठा जिले के तेर हनुमान जी मंदिर में प्रातःकाल दर्शन का लाभ लेने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान का मंदिर फूलों और विभिन्न सजावटों और रोशनी से सजाया गया, जहां हनुमान जयंती के अवसर पर भगवान को बादाम और काजू जैसे सूखे मेवे चढ़ाए गए। इसमें से 121 जोड़ों ने मारुति यज्ञ पूजा का लाभ उठाया शनिवार को, और हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर सुबह से ही हजारों की संख्या में भक्तजनों के दर्शन के लिए पहुंचे। इस अवसर पर मंदिर न्यास द्वारा 31 किलो केक काटा गया और दादाजी का जन्मदिन मनाया गया और प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित भी किया गया। चैत्र पूर्णिमा के कारण मुड़ासा तालुका के प्रसिद्ध भिंड भजन हनुमान जी मंदिर में बड़ी संख्या में आगंतुकों का हुजूम उमड़ा। गांव के लोगों में उत्साह देखा गया और खड़पाग सेवा में 500 से अधिक स्वयं सेवक मौजूद थे। मुड़ासा ग्रामीण पुलिस द्वारा कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। वाराणसी के भदवा गांव में शरारती तत्वों ने बगीचे में आग लगा दी। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। बगीचे में आम और बबूल के सैकड़ों पेड़ और पक्षी को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। गनीमत रही कि आसपास के खेतों में गेहूं सरसों की फसल कट गई थी, अन्यथा बड़ी घटना हो सकती थी। ग्रामीण नीतीश चौबे ने तुरंत इसकी सूचना दानगंज चौकी इंचार्ज वैद्यनाथ सिंह को दी और डायल 112 को फायर ब्रिगेड को सूचना दी। चौकी इंचार्ज अपने फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जिसमें सिपाही अखिलेश यादव, आनंद पटेल, हेड कांस्टेबल कन्हैया के साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। इसके बाद ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मिलकर आग पर काबू पाया। इस दौरान ग्रामीण नीतीश चौबे, अमन चौबे, दीपक राहुल चौबे, अभिराय चौबे, लालचंद यादव, धर्मेंद्र मिश्रा, जितेंद्र प्यारे चौबे आदि मौजूद रहे। वाराणसी से नेहा पाठक की रिपोर्ट। पहला दिन है, एंजॉय करना है। ए छोटा पैकेट, इधर आ। नाम बताओ। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है, वो उसकी स्माइल में झलकती है और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उनके एनामल को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। लो, ये कहाँ गया? रिकी, दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में। हिम्मतनगर में वीर प्रताप फाउंडेशन ने शीतलहर जल महोत्सव का शुभारंभ किया। असहनीय गर्मी के कारण पिछले एक पखवाड़े से लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते कार्यकर्ताओं ने सम्मानित अतिथि के रूप में भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। वहीं वीर प्रताप फाउंडेशन के संस्थापक भृगवेंद्र सिंह कुंपावत के अनुसार टावर रोड हिम्मतनगर बाजार का केंद्र बिंदु है। बस स्टैंड से बाजार तक पानी की आपूर्ति नहीं है, जिसको अब शुरू किया गया है, जिसे फाउंडेशन द्वारा हर साल परोसा जाएगा। जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट।
ढोलपुर जिले के हिरापुरा के जंगलों में आज सुबह अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से काफी वन संपदा को नुकसान हुआ है। उक्त आग से जंगलों की 80 बीघा जमीन से लगभग 2000 से अधिक पौधे जलकर खाक हो गए। वन विभाग के अधिकारी रेंजर अमरलाल मीणा ने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को सूचित किया। वह फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर वन विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी ग्रामीण जन मौजूद रहे। लक्ष्मी नारायण बघेल की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ।